भाजपा ने जो लव जिहाद का मामला उठाया है वो बिल्कुल ही बोगस मामला है। अपने देश में आपने जैसे कहा स्पेशल मैरिज एक्ट है, और स्पेशल मैरिज एक्ट इस देश के हर नागरिक को, वो आदमी हो या औरत, ये अधिकार देता है कि अपनी मर्जी से वो शादी कर सकता है। फिर इस देश में जो कानून है उसके मुताबिक फोर्सफुली कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। इस तरह से अगर किसी ने फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया तो कानून है, कानून आप पर कार्रवाई कर सकता है। तो देखिए, इस देश में लोगों को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, वो उनका पर्सनल फ्रीडम है, और ये भी कानून है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन ये बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो पहले से कहते आए हैं कि हमारी हिंदू बच्चियां जो है वो भगा के ले जा रहे हैं मुसलमान युवा। इनको पूछिए, इसका कुछ इनके पास संशोधन है क्या, इसका कोई इसके कोई फिगर्स इनके पास है क्या, आंकड़े है क्या? तो ये आंकड़े दे नहीं सकते। लव जिहाद के मामले इस देश के कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने ये कहा है लव जिहाद ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये केरला के कोर्ट में भी कहा है, और आप देखिए आज ही फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस केस के आधार पर वहाँ की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जिहाद का कानून बनाने के लिए कदम उठाए थे, वो केस का पूरा मामला ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और ये पर्सनल फ्रीडम है, किससे शादी करना है किससे नहीं। तो अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए ये लोग ये सारी चीज़ें, ये एक बवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, जो लड़की जा रही है किसी के साथ, मानो कि एक मुस्लिम लड़की जा रही है हिंदू लड़के के साथ, अपनी मर्जी से ही जाएगी ना, अगर जाएगी तो जबरदस्ती कैसे शादी कराएंगे? मेरे समझ में नहीं आता। ऐसी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या कोई जबरदस्ती आपको बंदूक दिखा के शादी कर रही है? मेरे सामने ऐसा मामला कभी नहीं आया। अगर एकाध दो मामले आए भी हो तो उसके लिए उसके जो डिटेल्स है वो अलग है। और आपको मालूम होगा कि आज़ादी के ज़माने से महात्मा गांधी ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो किताब लिखी है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें लिखा है कि अगर हमें जाति से ऊपर उठना है या धर्म से ऊपर उठना है तो उसके लिए उपाय इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज है, हम जिसे मराठी में अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह कहते हैं, वो उपाय है। गांधी जी ने भी यही कहा था कि ये जो हिंदू मुसलमान में झगड़े होते हैं या फिर जाति जाति में झगड़े होते हैं उनको अगर मिटाना हो तो इस प्रकार के इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस होनी चाहिए। तो ये गांधी आम्बेडकर दोनों ने बताया था। और आपको ये मालूम होगा कि इस देश की कई सरकारें, महाराष्ट्र सरकार हो, उत्तरांचल की सरकार हो या और कोई कई सरकार है साउथ की, अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं या इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तो आपको पुरस्कार देती है। महाराष्ट्र के लोग 50,000 रुपये देते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कपल को 50,000 रुपया गिफ्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा कानून है। अभी ये उठकर एक दिन खड़े हो गए और कहे नहीं नहीं लव जिहाद है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि अगर लव जिहाद का मामला है तो आप आंकड़े दीजिए, आप इसका एविडेंस दीजिए, सिर्फ चिल्ला चिल्ला के कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि लव जिहाद ऐसा कोई मामला ही नहीं। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा केस हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली इन्होंने कहा, पार्लियामेंट में आंसर दिया है और अलग अलग कोर्ट में भी ये हुआ है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको मालूम है एक केस हुआ था केरला में, मैं उस लड़की का नाम भूल गया, हादिया का केस। तो उसमें क्या हुआ, हादिया के पिताजी ने यही आरोप लगाया था ना कि जबरदस्ती इसको ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे वो जो लड़का है उसके साथ रहना है। तो इतना बड़ा मामला जो हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, उसमें क्या हुआ देखो, और कई मामलों में ये हुआ है। एनआईए को भी बोला गया था सुप्रीम कोर्ट ने और एनआईए ने 2 साल इन्वेस्टिगेशन कर, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये तो 6 साल से है ना, ये पहले 5 साल तो वाजपेयी सरकार थी 99 से लेकर 2004 तक, अभी ये 6 साल है, यानी कि 6 और 5 11 साल बीजेपी सरकार है। तो अगर मामला हो रहा है तो कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ। आप आंकड़े क्यों नहीं देते, आप एविडेंस क्यों नहीं देते, आप रखिए जनता के सामने, आप पार्लियामेंट में कहिए कि साल में अगर जैसे ये नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो आंकड़े देता है
इतने खून हो गए, इतने रेप हो गए, इतने इतने किसानों ने आत्महत्याएं की, वैसे आंकड़े के दीजिए ना कि देश में 50 हो गए लव जिहाद के मामले, 100 हो गए, लेकिन कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। ये बीजेपी कर रही है क्योंकि उनको लोगों की भावनाओं को भड़काना है, यही इनकी राजनीति है कि लोगों की भावना भड़का कर ये सब करना, इसलिए वो कर रहे हैं। अभी देखो ये मामला जो है लव जिहाद का, वो भड़काएंगे ये लोग। फिर अभी 2020 है, 2024 तक जब तक चुनाव आएगा तो 2-3 साल ये मामला चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सारी इकोनॉमी गई है डब्बे में, कुछ नहीं हो रहा है। अभी ये कोरोना के काल में भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छा काम किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है कि लोगों को राहत मिले। तो ये जो सर्टन इश्यूज है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एम्प्लॉयमेंट के यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट अभी लोगों की कम हो गई, नौकरियाँ बर्खास्त हो गई, मोदी सरकार ने कोई नई नौकरियाँ तैयार नहीं की है। तो नौकरी का मामला हो या फिर अनाज का मामला हो या फिर जो आप कहते एसेंशियल चीज़ें हैं जिंदगी के लिए, उसके ऊपर कोई मोदी सरकार कोई उपाय नहीं ढूंढ सकती, इसलिए ऐसे इमोशनल इश्यूज मोदी सरकार का जो संघ परिवार है उसके लोग उठाते हैं। मुझे लगता है ये लव जिहाद का मामला है वो बिल्कुल ही जिसे बोगस मामला है, और हम जैसे लोगों को इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के पक्ष में खड़े होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ ये गांधी अंबेडकर दोनों के विचारधारा का प्रोटेक्शन करने का मामला है। तो मैंने तो ये अपील किया है फेसबुक पर, अगर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करना है, इंटर रिलीजन मैरिज करना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम इनको प्रोटेक्शन देंगे। और नरेंद्र दाभोलकर की जो ऑर्गेनाइजेशन है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इन्होंने भी पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। तो मैं पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ कि अगर किसी को इंटरकास्ट मैरिज करना है, मैं हिंदू मुसलमान शादी के पक्ष में हूँ, मैं इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में हूँ, मैं हिंदू क्रिश्चियन शादी के पक्ष में हूँ, इंटर रिलीजन मैरिजेस के भी पक्ष में हूँ। मुझे लगता है इस देश में अगर थोड़ी बहुत समता अगर आएगी तो ऐसे जो मैरिजेस है उसके माध्यम से ही आएगी, वो एक स्टेप है। इसलिए बाबा साहब और गांधी जी दोनों ने ये कहा कि ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं लव जिहाद का जो आंदोलन चला रहे हैं बीजेपी वाले और हिंदुत्ववादी, इसका विरोध करूँगा, और हमारे साथ कानून है क्योंकि भारत का संविधान इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज को प्रोत्साहन देता है।